हेलो हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होगे भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि रॉयल इनफील्ड क्लासिक 125 को लॉन्च करने वाली है, जी मैं सही बोल रहा हूं, क्लासिक को 125 सीसी इंजन के साथ लॉन्च करने वाली है। जिस प्रकार से हमारे इंडियन मार्केटों में 125 सीसी का क्रेज बढ़ रहा है ना, हर कंपनी के मन में लालच आ रहा है, हर कंपनी के मन में, तो रॉयल इनफील्ड वाले पीछे नहीं हटना चाहते भाई। वो भी सोच रहे हैं कि हम मौके पे चौका मारते हैं, क्योंकि इनकी अधिकतर गाड़ी भाई 2 लाख के एबव भी होता है। एक हंटर ही है जो बजट फ्रेंडली प्राइस में आती है, लेकिन बाकी सारी गाड़ियां भाई 2 लाख के एबव जाता है। तो मिडिल क्लास बंदा भाई नहीं खरीद सकता इनकी गाड़ियों को। तो इसीलिए इन्होंने भाई एक इंटरव्यू में बताया है कि हम 125 सीसी बाइक पे काम कर रहे हैं। हालांकि स्पोर्टियर गाड़ी नहीं निकालेंगे, क्लासिक टाइप का ही निकालेंगे भाई, 125 सीसी का, जिसका ये प्रॉपर नाम क्लासिक 125 रखेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हर चीज़ बताता हूँ भाई डिटेल में, कब तक लॉन्च होगा, कौन सा इंजन यूज होगा, क्या फीचर्स मिलेगा, क्या प्राइसिंग होगा और कितना माइलेज देगा, क्या फीचर्स मिलेगा, हर चीज़ बताता हूँ डिटेल में। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। आप फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले लुक और डिजाइन की बात कर लेते हैं भाई। इस गाड़ी का ओवरऑल लुक और डिजाइन रेट्रो टाइप ही होने वाला है। हंटर से ये इंस्पायर्ड रहेगी भाई, मतलब जैसे हंटर दिखती है ना, ठीक उसी प्रकार ये भी दिखने वाली है। लेकिन हाँ, हंटर जैसी मस्कुलर नहीं दिखेगी भाई, क्योंकि हंटर कहाँ 350 सीसी की बाइक है ना, ये कहाँ 125 सीसी की होने वाली है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो उसका डिजाइन कैसा होगा, लेकिन हंटर से इंस्पायर्ड रहेगी। बाकी इसमें आपको ऑल हेलोजन का सेटअप मिलने वाला है, कुछ भी एलईडी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बजट प्राइस में लॉन्च हो रही है ना, तो नहीं देंगे कुछ भी। आपको हेडलाइट भी हेलोजन मिलेगा, टेल लाइट भी हेलोजन मिलेगा और इंडिकेटर भी हेलोजन ही मिलेगा। बाकी इसके अलावा आपको सेमी डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाएगा, जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और टर्न बटन नेविगेशन नहीं मिलेगा। एसेसरीज पे आपको एक पार्ट खरीदना पड़ेगा, तब जाके आपको ये सब सिस्टम मिलेगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई, अगर आपको चाहिए तो आप खरीदो, एसेसरीज में 10-15 हज़ार रुपये का मिलेगा आपको वो पार्ट, मतलब मीटर कंसोल में ही लग जाता है। बाकी इसके अलावा इसमें आपको साइड स्टैंड इंजन कॉडो का फीचर्स, ड्यूल डिस्क ब्रेक, सिंगल चैनल ABS, USB चार्जिंग पोर्ट, हजार्ड का बटन, इंजन किल स्विच, ऐसे भतेरों फीचर्स मिलने वाले हैं। बाकी रहा बात इंजन वगैरह का, तो इसमें भाई रॉयल इनफील्ड नया इंजन देगा 125 सीसी का, क्योंकि अभी तक इन्होंने बनाया नहीं था, लेकिन अब बनाएंगे भाई 125 सीसी का, जो 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन होगा, जो आपको 12.5 BHP का पावर और लगभग 15 Nm का टॉर्क निकाल के देगा। गाड़ी काफ़ी पावरफुल होने वाली है भाई, गाड़ी का इनिशियल और मिड बहुत ही बढ़िया होने वाला है, लेकिन टॉप एंड में हालत इसका ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसका कर्वेट भाई 150 किलो से ज़्यादा होने वाला है सुनने में आया, क्योंकि भाई रॉयल इनफील्ड वाले मेटल का ही पार्ट ज़्यादा यूज करते हैं, आप सभी अच्छे जानते हैं, मजबूत गाड़ी बनाते हैं, तो ये भी गाड़ी भाई काफ़ी मजबूत होने वाली है। लेकिन इसमें आपको 5 गियर मिल जाएंगे और आपको इसमें सेल्फ और किक का दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा, और 40 KMPL का इसमें आपको माइलेज मिल जाएगा। 1.5 लाख के लपेट में इसका भाई प्राइजिंग होने वाला है, 1,50,000 रुपये में 125 सीसी की बाइक बिकेगी, आपको क्या लगता है। लेकिन हाँ, रॉयल इनफील्ड का टैग लग जाएगा ना भाई, फिर बिकने लगेगी। जैसे स्प्लेंडर आज के रेट में 90,000 1 लाख का यूं ही बिक जा रही है, क्योंकि उस पर भाई हीरो मोटोकॉर्प का टैग लगा हुआ है, इसीलिए भाई रॉयल इनफील्ड का भी जलवा है। तो मज़ा आ जाएगा भाई क्लासिक 125 जब लॉन्च हो गई तो, क्योंकि मिडिल क्लास बंदे भी भाई दबा के खरीदने लगेंगे। बाकी हाँ, लॉन्च डेट की बात करें तो अभी तो इसको लॉन्च नहीं किया जाएगा 2024 में भाई, क्योंकि रॉयल इनफील्ड ने ऑलरेडी बहुत सारी गाड़ियों को लॉन्च कर दिया है, लेकिन इसको भाई 2025 के मिड तक लॉन्च किया जा सकता है, अनुमान लगाया जा रहा है भाई। अब देखते हैं भाई, कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हैं रॉयल इनफील्ड वाले तो फिर मैं आप सभी के लिए वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी तो फिलहाल कोई अपडेट नहीं आया है ऑफिशियली। तो यही कहानी है भाई रॉयल इनफील्ड की अपकमिंग क्लासिक 125 का। मैं तो भैया एक्साइटेड हूँ, आप कितना एक्साइटेड हो इस गाड़ी के लिए, आपको इसका लुक और डिज़ाइन कैसा लगेगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, लॉन्च होगा भाई दनाक से ख़रीद लेना, क्योंकि भाई बहुत ही तगड़ा डील होने वाला है हमारे मार्केट में 125 सेगमेंट में, लोग बाग मुड़ मुड़ के देखेंगे इस बाइक को, क्योंकि क्रेज होने वाला है भाई इसका। तो चलो जी, यही था एक अपडेट, मैंने सोचा अपने भाइयों के साथ शेयर कर देते हैं। चलो, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।